हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू अवेयरनेक्स। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पार्ट वन लेकर आया हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कनाडा देश से लिया गया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक स्टेट के बारे में बताया गया है। इसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में जिक्र नहीं है, इसमें 28 स्टेट के बारे में ही बताया गया। पहला आर्टिकल आर्टिकल 152 जिसमें स्टेट राज्य के बारे में बताया गया कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं। जब संविधान लिखा गया था तब एक एक्सेप्शन जम्मू एंड कश्मीर था, इसमें स्टेट का नियम लागू नहीं होता था। पर 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटती है तो ये निरस्त हो जाता है। अब चलते हैं आर्टिकल 153 जिसमें डिफिनेशन ऑफ गवर्नर बताया गया कि हर राज्य में एक गवर्नर होंगे पर कुछ गवर्नर को दूसरे राज्य का अतिरिक्त कारोबार भी दिया जाता है। जैसे आनंदीबाई पटेल, उनको यूपी के साथ एमपी का भी अतिरिक्त कारोबार दिया जाता है और इनका सैलरी 3.5 लाख है। अगर ये दो राज्य का कारोबार देखते हैं तो इनका सैलरी स्टेट शेयर करती है और इसमें कोई कानून नहीं है, जो राष्ट्रपति तय कर देते हैं उतने दोनों राज्य को मिलकर देना पड़ता है। अब चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, जिसे हिंदी में कार्यपालिका भी कहा जाता है। और हमारे गवर्नर ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव पावर है और रियल एग्जीक्यूटिव पावर चीफ मिनिस्टर होते हैं। अब चलते हैं अपने अगले आर्टिकल आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है, इनका अपॉइंटमेंट होता है और ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं। अगले आर्टिकल आर्टिकल 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, इनका टर्म कोई फिक्स नहीं होता है और ये प्रेसिडेंट के प्लेजर, जिसे हिंदी में प्रसाद पर्यंत भी है, और इन्हें प्रेसिडेंट कभी भी प्रधानमंत्री के सलाह पे हटा सकते हैं। चलते हैं अपने अगले आर्टिकल आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, ये एक भारत के नागरिक होने चाहिए, ये किसी भी लाभ के पद में नहीं होने चाहिए और इनका कम से कम 35 साल का उम्र होना चाहिए। अब अगला आर्टिकल आर्टिकल 158 जिसमें कंडीशन बताया गया गवर्नर के ऑफिस का है, वो किसी लाभ के पद में ना हो, वो उस राज्य के रेसिडेंट ना हो, वो पागल और दिवालिया ना हो और वो लोकसभा राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य ना हो। अगर हो भी तो वो त्यागपत्र दे के फिर गवर्नर का ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल आर्टिकल 159 जिसमें शपथ के बारे में बताया गया है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गवर्नर को शपथ दिलाएंगे। अब चलते हैं अगले आर्टिकल आर्टिकल 161 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें उन्हें क्षमादान की शक्ति दी जाती है और वो किसी के भी सजा को माफ़ या कम करवा सकते हैं। केवल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में गवर्नर को कुछ पावर दिए गए हैं और पहला पावर है लेजिस्लेटिव पावर। कोई भी विधान परिषद या विधानसभा में पास किया हुआ एक्ट जब तक गवर्नर साइन नहीं करते हैं वो लॉ नहीं बनता है। दूसरा पावर है उनका एग्जीक्यूटिव पावर, जिसे कार्यपालिका भी कहते हैं, इसमें वो ट्रांसफर, प्रमोशन, अपॉइंटमेंट और सस्पेंड कर सकते हैं। तीसरा पावर उनका फिनेंशियल पावर, इन्हीं के जगह में फिनेंस मिनिस्ट्री जो कि स्टेट के होते हैं वो बजट पेश करते हैं। चौथा पावर है कि वो जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके वो चांसलर रहते हैं और उनको कुछ इमरजेंसी पावर दिया गया है, कुछ स्पेशल पावर दिया गया है, कुछ सेल्फ पावर दिया गया है। और ये था गवर्नर से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी। जब पॉलिटी का चैप्टर होगा उस टाइम हम और डिटेल में इसे कवर करेंगे। अब गवर्नर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली वुमेन गवर्नर जो बनी है वो है सरोजिनी नायडू और उत्तर प्रदेश में बनी है। और लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल गवर्नर है पद्मजा नायडू और ये सरोजिनी नायडू की बेटी है और ये 11 साल तक बनी थी वेस्ट बंगाल में। और सबसे ज़्यादा लंबे टर्म तक गवर्नर बने हैं ए.आर. किदवई जो कि 17 साल तक बने हैं। अब चलते हैं सीएम से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 164 में सीएम के बारे में जिक्र है जो कि अपॉइंट होते हैं गवर्नर के द्वारा और गवर्नर सीएम को शपथ ओथ दिलाते हैं। अब देख लेते हैं सीएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर जो बनी थी वह है सुचित्रा कृपलानी और वो उत्तर प्रदेश के लिए बनी थी और पहले गवर्नर भी सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं देखते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चेमलिंग जो कि सिक्किम से हैं और ये 24 साल तक बने थे और ये सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी से हैं। अब देख लेते हैं कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जिनके विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। अब चलते हैं एक एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर देखते हैं। पहला स्टेट है तमिलनाडु
और तमिलनाडु का फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को होता है और यहाँ का कैपिटल चेन्नई है और प्रेजेंट के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर एम के स्टेलिन जो कि डी एम के पार्टी से हैं और यहाँ के चीफ जस्टिस जो कि मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी और यहाँ के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर सी राजा गोपालेचारी और टोटल नंबर ऑफ सीट 234 और टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट 39 और तमिलनाडु का टोटल डिस्ट्रिक्ट 38। अब चलते हैं अगले राज्य केरल। केरल का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को होता है और यहाँ का कैपिटल त्रिवेंद्रनाथपुरम और प्रेजेंट के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के सीएम पिनराई विजयन जो कि सीपीआई पार्टी से बिलोंग करते हैं और यहाँ के चीफ जस्टिस केरला हाईकोर्ट के एस मनी कुमार और केरला के पहले चीफ मिनिस्टर ईएमएस मनोरथी पाल और टोटल नंबर ऑफ सीट 141 टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट 20 और केरल के टोटल डिस्ट्रिक्ट 14 है। अपने नेक्स्ट स्टेट असम और असम का फॉर्मेशन मतलब स्टेटहुड और स्टेटहुड इन्हें 26 जनवरी 1950 यहाँ पे 1950 होगा फ्रेंड इसे ठीक कर लीजिएगा और कैपिटल दिसपुर और गवर्नर यहाँ के प्रेजेंट जगदीश मुखी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो कि प्रेजेंट के हैं हेमंता विश्वा शर्मा और चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाईकोर्ट सुधांशु धूलिया और फर्स्ट सीएम गोपीनाथ बोरदोली और यहाँ का टोटल नंबर ऑफ सीट 126 है और टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट 14 और आसाम के टोटल डिस्ट्रिक्ट 33 टेरिटरी पुंडिचेरी और इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1954 को होता है और कैपिटल पुंडिचेरी है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सौंदरी राजन है और यहाँ के सीएम एम रंगा स्वामी और टोटल नंबर ऑफ सीट 33 है और लोकसभा सीट 1 है और टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 4 है। चलते हैं अपने अगले स्टेट जो कि है उत्तर प्रदेश और इसका फॉर्मेशन 24 जुलाई 1950 को होता है फ्रेंड 24 बहुत जगह आप 26 देखेंगे लेकिन यूपी में 24 है और यहाँ का कैपिटल लखनऊ है और यहाँ के लार्जेस्ट सिटी कानपुर है और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट संजय यादव है और यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पटेल थे और पहले गवर्नर सरोजनी नायडू और ये पहली महिला गवर्नर भी है और टोटल नंबर ऑफ सीट 430 और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75 है और लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट उत्तर प्रदेश से 80 है। चलते हैं अपने अगले राज्य झारखंड और झारखंड का फॉर्मेशन 15 नवंबर 2000 को होता है और यहाँ का कैपिटल रांची है और झारखंड का सबसे बड़ा सिटी जमशेदपुर है और प्रेजेंट के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैं और यहाँ के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है और चीफ जस्टिस ऑफ रांची हाईकोर्ट रवि रंजन है। पहले चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी और फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड प्रभात कुमार टोटल नंबर ऑफ सीट 81 है और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट झारखंड में 24 है और लोकसभा में टोटल 14 सीट है। अब चलते हैं अगले स्टेट बिहार जिसका फॉर्मेशन 22 मार्च 1912 को हुआ था और इसे स्टेटहुड 26 जनवरी 1950 फ्रेंड यहाँ भी 1950 होगा और इसका कैपिटल पटना है और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं और यहाँ के गवर्नर प्रेजेंट के फागू चौहान हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट संजय कारोल हैं। पहले चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिन्हा और फर्स्ट गवर्नर हरी रामदास दौलत राम और टोटल नंबर ऑफ सीट 243 और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 है और लोकसभा में टोटल सीट 40 है बिहार से। अगले स्टेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट वेस्ट बंगाल और इसका फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को होता है। फॉर्मेशन मतलब फ्रेंड स्टेटहुड और इसका कैपिटल कोलकाता है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी टीएमसी की प्रेसिडेंट है तृणमूल कांग्रेस की और ये चुनाव हार गई थी नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से पर फिर भी ये चीफ मिनिस्टर बनती है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने टोटल 213 सीट लाया था पर सीएम ममता बनर्जी को बने रहने के लिए 6 महीने में इन्हें कोई भी चुनाव जीतना होगा और ये भवानीपुर से इलेक्शन अभी लड़ रही है। अगर भवानीपुर से जीत जाती है तो ये सीएम बनी रहेगी। ये भवानीपुर से हार जाती है तो इन्हें त्यागपत्र देना होगा चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से और यहाँ के गवर्नर जगदीप शंकर हैं और चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट जस्टिस राजेश बिंदल हैं और यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष थे और यहाँ के पहले गवर्नर सी राजा गोपालाचारी और टोटल नंबर ऑफ सीट 294 जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीट जीता था और यहाँ टोटल डिस्ट्रिक्ट 23 है
और लोकसभा में टोटल सीट 42 है। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।